लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, ने घर छोड़ दिया भाई के लिए। हर वक्त मजाक करना कोई अच्छी बात नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आज शादी कर रहे हैं दोनों। मुराद साहब, आपकी गाड़ी में ये लिफाफा रखा था, सोचा आपको दे दूँ। अजमी खातून, ये तो दादी जान के नाम खत है, मुझे क्यों कुरियर किया किसी ने? गलती से कर दिया होगा शायद। आज शाम निकाह है उनका, रो रही थी मेरी बच्ची, बहुत परेशान थी। उसने तो छोड़ दिया ना हमें, आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा उसका। क्या हुआ बेटा, कहीं हयात को तो कुछ नहीं हुआ? हाथ नहीं लगाया मुझे। ये क्या कह रहा है तू? किसका खत है ये? अम्मी। बोलिए, चुप क्यों है? बताइए, इतने बरस जो कुछ छुपा के रखा। अम्मी तो मर गई थी आपने कहा था। क्यों किया ये आपने? हाँ, किस लिए? और कोई चारा नहीं था मेरे बच्चे? हर शख्स यही जवाब देता, झूठ बोलने वाला भी तो यही बहाना करता है। मेरी जान, ये झूठ मेरी खुशी नहीं, तेरी माँ की मर्जी थी। सब भोगली बातें। आप भी, हयात, अम्मी भी, सब झूठे हैं, सब के सब। मैं बहुत मजबूर थी बेटा। क्या करूं अब मैं, बताएं? कैसी चलेगी ये जिंदगी? हाँ, तेरी खातिर क्या नहीं किया मैंने, तेरी हर खुशी के लिए। बिल्कुल, आपका फख्र आपके सामने खड़ा है। माफ कर दे मुझे बेटा। हर किसने? कभी नहीं, ना आपको, ना अम्मी को और ना हयात को कभी भी माफ नहीं करूंगा, समझ गए आप? कभी भी नहीं। Yes, मैं जानती हूँ काफी देर से वेट कर रहे हैं आप, मगर हम भी कोई आम लोग नहीं, यानी जैसे रोमियो एंड जूलियट, बल्कि समझे एलिजाबेथ और डार्सी।
यानी शानदार और यादगार इश्क वाले लोग हैं। शानदार इश्क समझते हैं ना आप? 5 घंटे हो गए, कब आएंगे? अरे थोड़ा साथ दे देना हमारा इस वक्त। 5 घंटे हो गए तो क्या कंप्लेन करेंगे? कुछ हो गया है खुदा ना खास्ता, कुछ हो गया है मुराद के साथ। हयात कितनी बार बताएं तुम्हें, सारे हॉस्पिटल्स पता कर लिए, हर जगह मालूम कर लिया, लेकिन कहीं कोई एंट्री नहीं मुराद के नाम से। तुरुक और करीम गए हैं पुलिस स्टेशन में पता करने। अब तक तो लाजमी आ चुका होता वो, मुझे कभी नहीं छोड़ सकता वो। मुझे मालूम है, कुछ फील हो रहा है मुझे यहाँ। जरूर कोई सीरियस बात हो गई है उसके साथ। वो हयात या जो भी नाम है उसका, कई महीनों से फ्रॉड कर रही है हमारे साथ। तुमने अपना दिल उसके कदमों में रख दिया, रख दिया। चल जाओ, निकल जाओ। अस्मी साहिबा, मैं जा रही हूँ इतनी दूर कि किसी को नाम निशान तक न मिले मेरा। आपको नामी को और ना हयात को कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मेरे जाने के बाद मुराद को कभी मालूम ना होने दीजिएगा कि उसकी माँ इतनी जालिम थी कि अपने ख्वाबों के खातिर उसे छोड़कर चली गई। क्या हुआ, कुछ मालूम हुआ कहीं से? बिल्कुल नहीं, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है ना कोई केस। समझ ही नहीं आ रहा आखिर भाई कहां चले गए। कहां चला गया आखिर, खुदा ही जाने। मेरी भोली गुड़िया, आओ चलो अंदर चले, वेडिंग ड्रेस उतार दो आप, मुंह हाथ धो लो बस। कभी नहीं, मैं इंतजार करूंगी मुराद का। और अगर वो आया ही नहीं? वो ऐसा नहीं कर सकता, आएगा। ओके। मुराद, डर गई थी मैं कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया कहीं। मुराद, ये क्या हुआ? छोड़ दो, ठीक हूं मैं। तुम मुझे धोखा देती रही कई महीनों तक, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बिल्कुल बिखर के रह गया मैं। मुराद, इस वक्त क्यों कह रहे हो ये सब? क्योंकि मैं चाहता हूं इससे पहले निकाह हो तो मैं सब याद करा दूं। क्या तुम पीछे हट रहे हो?
नहीं, ये सब होने के बावजूद तुमसे शादी करूंगा। हम इसी लम्हे के मुंतजर थे, तो आ जाओ। एक दिन माफी लेकर रहूंगी, कसम खा के कहती हूं, चाहे जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। जो कहना चाह रहे हो कह दो निजात। आपने उस लेटर के बारे में क्यों नहीं बताया था मुझे? बोले जवाब दें, लैला का वो खत क्यों छुपाया मुझसे आपने आज तक? निजात, मैंने वो खत फेंक दिया था, जाया हो चुका क्या था। मतलब जाया हो चुका था? फिर वो मुराद के हाथ कैसे लग गया बताएं? मैं क्या बताऊं, मुझे क्या मालूम, मगर मेरी गलती नहीं है इसमें। वैसे तो तुम खूब जानते हो इस घर में मुराद की खुशियों का दुश्मन कौन है, उसमें जरूर उसी का हाथ है। मैं बता रही हूँ, मानो या ना मानो। नहीं, मैं दारिया को वार्न कर चुका हूं। हाँ, और उसने मान ली तुम्हारी। अगर इसमें दारिया शामिल है तो ये घटिया हरकत उसकी आखिरी हरकत होगी, वादा करता हूँ। जो होना था वो हो गया, कोई हल निकालना होगा हमें। आप रहने दीजिए, दूर रहिए इस मामले से, मैं खुद हैंडल करूंगा ये। निजात, देख लेना, वही है इसके पीछे। वाले हैं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे देख लेंगे वो। तुम रोमांस डिजाइनिंग की दुनिया में नंबर वन हो टुअल,
देखा वही हुआ ना। सोच रहे होगे टूअल क्यों यहाँ आ गई कबाब में हड्डी बनके? बिल्कुल नॉर्मल सोच है, जाहिर है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो कोई, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो और यूँ समझो मैं यहाँ हूँ ही नहीं और तुम लोगों ने मुझे देखा भी नहीं है। मैं हैरान हो गई थी कि तुम कहाँ चली गई अचानक। मैं तुम्हारी लीगल एडवाइजर हूँ, भूल गई? कभी यहाँ कभी वहाँ, आज रात को बहुत यादगार बनाने के लिए। थैंक यू टूअल, अब रास्ते से हटो तो हम अंदर आ जाएं। चुप, ऐसे कैसे जाओगे? भला इतने से अंदर कैसे हो सकते हो तुम? टूअल दुल्हन बहुत थकी हुई है। दुल्हन की वजह से कह रही हूँ, शौहर का फर्ज याद दिला रही हूँ, दुल्हन को उठाकर अंदर लाना होता है। तुम रस्म और रिवाज भूल गए हो बिल्कुल। गुड नाइट मेरे लव बर्ड्स, तुम लोगों ने मुझे देखा ही नहीं। जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं मुझे प्यार ही नजर आता है, मगर ये भी सच है कि जो कुछ तुमने किया वो भुला नहीं पा रहा। मैं तो समझी थी। जो भी समझी थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे माफ कर पाऊंगा। तुम्ही ने रोका था मुझे, मेरी फैमिली के सामने आकर खड़े हो गए थे और शादी भी अपनी खुशी से की है, किस लिए? इंतकाम ले रहे हो मुझसे? मैंने जो किया उस पर सबक सिखाना चाहते हो मुझे? जो चाहो समझ लो हयात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही हो तुम अपनी जगह, मुझ जैसी झूठी लड़की को सजा मिलनी चाहिए। तुम मुझे अज़ियत देना चाहते हो, कबूल है, दिल से तैयार हूं, मगर क्या तुम खुद अज़ियत नहीं उठाओगे इस तरह? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुराद, तुम खुद जानते हो ये नहीं कर पाओगे। मैं शायद कुछ नहीं जानता। हाँ, हमारी शादी हुई है, हम मियां बीवी हैं, इतना जानता हूँ, मगर शादी के लिए इतना काफी नहीं। एक हकीकत की तरह कबूल कर लिया इसे, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ? लेकिन क्यों, मैं क्यों कबूल करूँ ये सब? बहुत आसान बात है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं।
अम्मी ये पैकिंग क्यों कर रही हैं? जा रही हूँ इस घर से, बर्दाश्त से बाहर हो गया सब कुछ। अम्मी कुछ बताएंगी आखिर हुआ क्या है? थक गई हूँ दुरुक, थक गई हूँ। जो भी बुराई होती है सब मुझ पर डाल दी जाती है। यार अम्मी जान एक मिनट मेरी बात तो सुन ले आप। अम्मी प्लीज बात तो सुन ले प्लीज। दुरुक मुझ पर बहुत घटिया इल्जामात लगाए गए हैं, मैं अब एक मिनट भी नहीं रह सकती यहाँ, ठीक है? इस तरह मत देखो मुझे, ठीक है माजी में गलतियां हुई हैं मुझसे, मैं मानती हूँ, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। मुराद को तबाह हो बर्बाद करने का प्लान बनाऊ, इतनी घटिया नहीं हूँ मैं। यार अम्मी, अम्मी मुझे कुछ नहीं पता आप किन इल्जामात की बात कर रही हैं। क्या हो गया दुरुक? खुश हो जाएं, वही हो रहा है जो आप चाहती थी। क्या चाहती थी, क्या मतलब है? घर बर्बाद करना, घर छोड़कर जा रही हूँ मैं। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई अम्मी जान, अब मेरे यहाँ से जाने के बाद आपने जो कहना कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। खुदा को मानो बहू बेगम, मैं क्यों तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहूंगी? आपकी बातें सुन ली थी मैंने, अब आप इनकार नहीं कर सकती। मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रही थी आप, और ऐसे घटिया इल्जामात के बाद मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। और वो खत आपने छुपा कर रखा था अस्मी साहिबा, कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? एक मिनट, अम्मी ये किस खत की बात कर रही हैं आप? कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? अपनी दादी से पूछो, वो जवाब देंगी। यार बाबा रो के अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं। नारिया, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। जा यहां से, सुनाई नहीं देता क्या कह रहा हूं? चलो सकते। अल्लाह के वास्ते बता दो कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? तुम गुस्से में हो इस वक्त। सिर्फ गुस्सा है मुझे, दिल तोड़ा गया है मेरा, धोखा दिया गया है मुझे, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं। देखो तुम्हें पता ही नहीं मेरे साथ क्या कर दिया तुमने। हयात मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी तुमने और तुम्हें खबर ही नहीं। तुम ड्रंक हो, आओ बस सो जाते हैं। कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। चलो यहां से, अलग सोगी तुम। तुम्हारे साथ नहीं सोना मुझे। जाओ। Thank you.
क्या करूं मैं? मुराद, मुराद, क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? गिर गया मैं। ठीक है, उठो, चलो बस मेरे सहारे उठो, शाबाश, आ जाओ। छोड़ दो यार, हटो, तुम्हें क्या अंदाजा होगा? बहुत बड़ी चोट लगी है। रेजा हो गया। मुझे माफ कर दो। माफी से क्या होगा? मुझे अकेला छोड़ दो। सुने आंटी, हयात बहुत खुश है वहाँ। दुल्हन बनके बहुत अच्छी लग रही थी। शुरू में तो दुल्हा साहब भी गायब हो गए थे, मगर हयात को यकीन था कि मुराद जरूर आएगा। लेकिन वो गायब क्यों हो गया था? मुराद निकाह की तैयारियां सारी खुद कर रहा था ना। असल में निकाह बहुत शानदार तरीके से हुआ, बस ये बात थी। किसकी ऐसी औलाद होगी? मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरे बगैर शादी कर ली उसने। वो भी तो मजबूर थी ना एमने आंटी, जानती तो हैं। जाहिर है, और कोई रास्ता नहीं था। क्या करती वो? चले जाती अगर ग्रेसन तो क्या मिल पाता मुराद दोबारा? लेकिन क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, बताओ मुझे, किसी को क्या बताऊंगी? यूं होते हैं कहीं निकाह? यानी उस दिन होटल में क्या हुआ था? अगर उसके बाबा ने निकाह का सुन लिया तो खुदा जाने क्या कयामत टूटेगी उनके दिल पर। देखा नहीं उस दिन क्या हुआ? उफ मेरे अल्लाह, बस करम कर दे। वैसे हयात को फोन पर बात तो कर लेनी चाहिए थी दादा से। बिल्कुल, इससे दादा का गुस्सा भी कम हो जाता। पता नहीं, मगर अब क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। तौबा इस्तग़फ़ार।
میرے جانے کے بعد مراد کو کبھی معلوم نہ ہونے دیجیے گا کہ اس کی ماں اس قدر ظالم تھی کہ اپنے خوابوں کی خاطر اسے بتائیے گا اس کی ماں مر گئی، ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی۔ تمہارے لیے کافی بنائی ہے، بہتر فیل کرو گے۔ میں نے تم سے کافی بنانے کا نہیں کہا تھا۔ نہیں کہا، میں نے خود بنائی ہے، پی لو، بہتر فیل کرو گے۔ میں بہتر فیل کروں گا؟ حیات، رات بھر میں کیا اول فال بکتا رہا ہوں؟ ہاں میں تو ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں تمہاری۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہیلپ۔ زبردست، دیکھو ہر جگہ بربادی کر دیتی ہو تم جہاں بھی قدم رکھتی ہو۔ اب خوش ہو؟ خوشی مل گئی تمہیں؟ ٹھیک ہے مراد، ٹھیک ہے، مجھے اللہ غرق کر دے۔ میں نے جو جھوٹ بولے ہیں تم سے ان کی سزا تو ملے گی نا؟ مجھے اللہ کرے مر جاؤں، میں مر جاؤں، بس مر جاؤں گی تو پھر تم خوش ہو جاؤ گے نا؟ اصلی، ہاں تم کام پر نہیں گئی آج؟ نہیں، آج چھٹی لی ہے میں نے۔ اچھا تو اٹھو، چلو آؤ، اٹھ کے ناشتہ بناؤ میرے ساتھ، آ جاؤ۔ اچھا ایمینے۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، ٹھیک نہیں ہوں۔ صبح سے میری نفس ٹھیک نہیں چل رہی، لگ رہا ہے مر جاؤں گا، میں مرنے والا ہوں بس۔ ارے دادا جی، آپ مجھے بالکل ہٹے کٹے، تندرست اور توانا دکھ رہے ہیں۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ صحیح کہہ رہا ہوں بالکل۔ اصلی، ہاں بیٹا، ذرا ان کا بلڈ پریشر تو چیک کر لے۔ ہاں کرتی ہوں، جلدی کر۔ بابا آنکھیں تو کھول کر دکھائیں مجھے، آنکھیں تو آپ کی بالکل سفید پڑی ہیں، کیا ہو گیا؟ بابا جلدی آ، اس کی جلدی آ، بابا گر گئے۔ پیار لفظوں میں کہا۔ ناشتہ بنایا ہے میں نے۔ تم سے ناشتہ بنوانے کے لیے شادی نہیں کی ہے، ایسا لکی کپل نہیں ہے ہمارا، نہ ہی ہوں گے ہم کبھی۔ نہ خوش ہوتے ہوئے خوش ہونے کی ایکٹنگ نہیں ہوگی۔ مجھے تو لگتا تھا تم کر لو گی، جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو تم۔ مجھے جلدی سے ڈیٹیلز بتاؤ مراد۔ کیسی ڈیٹیلز ٹوبل؟ رات کیسی گزری تمہاری ٹوبل؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ڈانٹ دوں اس وقت۔ ٹھیک ہے، اوکے، سوری۔